हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जो स्मार्ट न्यूज चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी खुशखबरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मुंबई की लोकल ट्रेन शुरू होगी या नहीं जानेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने के पक्ष में है सरकार। जी हाँ दोस्तों, डेल्टा वायरस के आ जाने के बाद जहां महाराष्ट्र में सब कुछ खुलने जा रहा था, वही अब पासा पलटता हुआ नजर आया। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ी गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि मुंबई जो लेवल वन में आ चुकी थी, पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई समेत सभी पूरे महाराष्ट्र के जितने भी जिले हैं, तमाम जिलों को लेवल थ्री में डाल दिया गया है। यानी एक बार फिर से महाराष्ट्र लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि तीसरी लहर आने की दस्तक जो है आ चुकी है, और इस दस्तक में 50 लाख के करीब लोगों की जो है संक्रमित होने की संभावना बताई जा रही है। डेल्टा वायरस इस समय फिलहाल तो ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। जलगांव जैसे कुछ जगहों पे डेल्टा वायरस से केसेस देखने को मिले हैं, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से सचेत है। और मुंबई में जो वहाँ पे लोकल ट्रेन में आम जनता को अनुमति मिलने वाली थी, उसे फिर से रोक दिया गया है। यानी सिर्फ लोकल में वही लोग सफर कर पाएंगे जो अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हैं, और महिलाओं को भी लोकल में अनुमति दे दी जा रही है। यानी बाकी तमाम लोगों के लिए लोकल बंद रहेगी जब तक सरकार की तरफ से कोई नई गाइडलाइंस नहीं आ जाती। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एक बार फिर से सिनेमा घर बंद रहेंगे लंबे समय तक, जब तक सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं मिल जाती। दुकानें सिर्फ 4 बजे तक खुलेंगे, वो भी 50% की कैपेसिटी के साथ। यानी बाकी तमाम चीजें जैसे पहले थी लेवल 3 में, उसी प्रकार बंद रहेगी। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही।